दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दो बेनिफिट्स मिलने वाला है इस वीडियो से। सबसे पहला, अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू देने जाने की तैयारी कर रहे हैं या आप दूसरी कंपनी स्विच करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने 10 इंटरव्यू दिया तो 8 से 9 इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। यहाँ से आपको देखो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अलग करना है। अब वो आपसे टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड के क्रिएटिविटी को चेक करते हैं, क्या आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। और रियल टाइम प्रॉब्लम में भी आपको अलग करना है, तो इस टाइप से आप टेस्ट टू कॉलम के द्वारा ये आपको एग्जैक्ट नहीं देगा। क्यों? आप देखो कहीं पे मेरा मिडिल नेम है, कहीं पे मेरा मिडिल नेम नहीं है, कहीं पे मेरा मिडिल नेम, यहाँ पे देखो मिडिल नेम है, यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है। तो टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा भी करोगे तो कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले के द्वारा हम इसे डायनेमिक बना देते हैं और इसीलिए इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपने इसे फिक्स कर लिया तो आप समझ जाइए कि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना सकते हैं। अब सीखना चाहते हैं बताएंगे, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर पाइवट, डैक्स, पावर BI, मैक्रो, VVA, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। और सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आप कहीं कहीं देखोगे यहाँ मेरे पास देखो फर्स्ट नेम है, ठीक है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, लेकिन यहाँ मेरा फर्स्ट नेम है और सिर्फ लास्ट नेम है। यहाँ मेरा फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स, राइट। तो उस समय अपने, हाँ, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में दिए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला याद रखना, जब भी हमें फर्स्ट नेम निकालना है तो हमारा जितना भी आप यहाँ नेम देख रहे हैं, फर्स्ट नेम हमारा किधर है? लेफ्ट साइड है। तो बिंदास आपको क्या करना है? लेफ्ट फंक्शन यूज़ करना हमेशा। ये थोड़ा इजी होगा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपका लास्ट नेम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है, यानी दिस लिया इसे। अब कॉमा पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये हमें डायनेमिक देना होगा, क्योंकि हर का कैरेक्टर, जैसे रमेश, तो इसमें मान लो इसमें 6 कैरेक्टर हैं, निरूपा 6 कैरेक्टर हैं, लेकिन राजू में तो 4 है। तो यहाँ इसे डायनेमिक बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, सर्च फंक्शन। ये क्या करता है? जो भी टेक्स्ट हम फाइंड कराएंगे उसकी पोजीशन बताता है टेक्स्ट में। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस फाइंड कराया, कॉमा पूछ रहा विद इन टेक्स्ट, भैया इसी में हम फाइंड कराएंगे, तो अब ये क्या करेगा, स्पेस यहाँ पे सर्च करेगा, भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवें नंबर पे है। तो ये टेक्स्ट की पोजीशन बता दिया, क्योंकि हमारा हर नेम में आप देख रहे हो एक चीज़ कॉमन है, फर्स्ट नेम के बाद हमारा स्पेस है, आपको दिख रहा है, या स्पेस के पहले हमारा फर्स्ट नेम है, दिख रहा है। तो यहाँ की अगर पोजीशन हमें पता चल जाए तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, वहाँ से उतना कैरेक्टर अलग कर देगा, जैसा कि ये किया, ये देखो अलग हो गया। अब इसमें स्पेस भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सातवां पोजीशन दिया है। अगर मैं सर्च फॉर्मूले को ऐसे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा तो यहाँ देखो 7 आ रहा है, तो 7, तो यहाँ पे स्पेस भी आ रहा होगा इस नेम में। अगर मैं इस नेम को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करूँगा तो यहाँ पे हमारा, ये देखो मैं यहाँ पे ही करता हूँ पेस्ट स्पेशल वैल्यू, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया और यहाँ पे किया वैल्यूज। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा देखो एक स्पेस हमारा है, तो यहाँ से मैं हटाना पड़ेगा, राइट। तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यही फॉर्मूला में जब 7 आ रहा है -1 कर दिया, तो अब हमारा 6 आ गया वहाँ पे, राइट। तो ये हमारा डायनेमिक हो गया, फर्स्ट नेम आ गया। मिडिल नेम, मिडिल नेम निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी कोई मिड पार्ट को निकालने को बोला जाए स्पेसिफिक टेक्स्ट में से, तो मिड फंक्शन यूज करो, राइट। तो यहां पे हम लेंगे मिड फंक्शन। अब यहाँ मुझे मिडिल इस नेम को निकालना है, मिडिल को, तो अगर हम यहाँ की पोजीशन, तो ये जो स्पेस की पोजीशन है, यहाँ पे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला स्पेस, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये वाला स्पेस, तो 13 माइनस यहाँ वाले स्पेस की पोजीशन माइनस कर दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 13 माइनस 7 कर दे तो हमारे पास इस कैरेक्टर की पोजीशन आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। 13 माइनस 7 कर दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ रहा था मेरा, 13 माइनस 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 13 माइनस 7 कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, तो 6 में हमारे पास यहाँ देखो स्पेस भी आ रहा है, तो -1 कर देंगे। देखो कैसे, पहले ध्यान से समझो, मिड पूछा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मैंने ये लिया, अब पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। मिड फंक्शन का क्या काम है, मिड पार्ट से निकालना। जैसे मैं स्टार्ट नंबर अगर दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवें नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि कुमार मेरा आठवें से स्टार्ट हो रहा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या करेगा, मिड से कुमार को निकाल देगा। तो ये मेरा मैनुअल हुआ, तो इस पार्ट को हमें डायनेमिक बनाना होगा, 8 और 5 को। तो यहाँ पर हम मिड करेंगे, टेक्स्ट हम ये लेंगे,
ठीक है, स्टार्ट नंबर में हम क्या करेंगे, सर्च फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि सर्च क्या करेगा, स्पेस की पोजीशन क्या बताएगा, 7। तो चलो पहले मैंने स्पेस को सर्च कराया विद इन टेक्स्ट, इसमें 7 बताया, तो जब 7 बताया तो प्लस 1 दे दिया, तो यहां पे 8 आ जाएगा भैया, यहां से स्टार्ट करना है। आ गया, अब पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम क्या करेंगे, यहां की पोजीशन से माइनस यहां की पोजीशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, सर्च फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, फाइंड टेक्स्ट स्पेस फाइंड कराएंगे, विद इन टेक्स्ट इसी को लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट सर्च फॉर्मूला क्या करता है, जो भी टेक्स्ट हम फाइंड कराते हैं टेक्स्ट के अंदर, जहां अगर उसे पहले ही मिल गया वो टेक्स्ट, तो वो उसी की पोजीशन बता देगा, आगे नहीं जाएगा, राइट। तो आगे जाने के लिए यहां पे एक आर्गुमेंट और है हमारा, स्टार्ट नंबर, कॉमा देंगे, पूछ रहा है देखो, सॉरी कॉमा देंगे तो पूछेगा स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना, तो अगर हम यहां पे इसको बता दें 8वें नंबर से स्टार्ट करो, तो ये 8वें नंबर से स्टार्ट करके अगली पोजीशन बता देगा, भैया अगला स्पेस हमारा 13वें नंबर पे है, ये बता देगा, देखो कैसे। तो स्टार्ट नंबर के लिए फिर से सर्च फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट यही लिया, और इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे, इतना काम हो गया। तो ये क्या करेगा, यहां पे 13 आएगा। अब देखो इनसाइड द फॉर्मूला हमें रिजल्ट देखने के लिए इस फॉर्मूले को मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐसे दिस F9 प्रेस कर दूंगा, देखो सॉरी यहां पे ब्रैकेट मान लो बंद कर दिया, इसको सेलेक्ट करूंगा और F9 प्रेस कर दूंगा, देखो आ रहा है 13, तो ये समझ में आ गया। अब 13 आ गया, माइनस यहाँ की पोजीशन कर दूंगा, माइनस माइनस फिर ब्रैकेट लगा दूंगा एक बार, अब फिर से सर्च फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, सर्च फाइंड टेक्स्ट ये ले लिया, स्पेस विद इन टेक्स्ट ये 7, और 7 प्लस 1 एक कर देंगे 8, नहीं तो क्या करेगा, एक स्पेस हमारा नेम में आएगा, तो कुमार आ गया, ड्रैग कर दिया। अब जहाँ जहाँ मिडिल नेम नहीं है वहाँ तो एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा वैल्यू एरर, क्योंकि हमने यहाँ की स्पेस की पोजीशन बताई है सेकंड वाले की, तो इसमें तो सेकंड वाला स्पेस है ही नहीं, क्योंकि दो ही नाम है, दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो इस मिडिल नेम नहीं है, हमें तो यहाँ सिर्फ मिडिल नेम चाहिए था, तो इफ़ एरर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इफ़ एरर, और इफ़ एरर वैल्यू है लास्ट में डबल कोट दे देंगे, यानी ब्लैंक, इसका मतलब होता है ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, अब जहाँ जहाँ एरर आएगा वहाँ ब्लैंक हो जाएगा, तो देखो जहाँ हमारा मिडिल नेम था आ गया, जहाँ मिडिल नेम नहीं है ब्लैंक आ गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा लास्ट नेम में, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है, क्योंकि लास्ट नेम में अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो वहाँ पे, तो चलो यहाँ पे तो मेरा किसी में मिडिल नेम नहीं था, किसी में है, किसी में नहीं है, किसी में है, तो एरर आ रहा है, राइट। तो वहाँ हमने इफ़ एरर लगा दिया, लेकिन लास्ट नेम में, लेकिन लास्ट नेम में मेरा तो सभी में लास्ट नेम है, तो एरर से तो काम चलेगा नहीं। तो ये देखो यहाँ पे अब याद रखना, जब भी लास्ट नेम निकालने को बोला जाए तो ये लास्ट नेम हमारा किस साइड होता है, राइट साइड होता है हमेशा, तो राइट फंक्शन यूज कर लो, राइट। टेक्स्ट मैंने ये लिया, इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पूरे की पोजीशन में से माइनस यहाँ की पोजीशन कर दे इस वाले स्पेस की, तो ये आ जाएगा लास्ट नेम। लेकिन तो यहाँ मेरे पास तो दो स्पेस है, चलो हम सर्च फॉर्मूले से दो स्पेस से काउंट कर लेंगे यहाँ की पोजीशन। अभी मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में लेन ले लूँगा, चलो ये तो हो गया। अगर मैं माइनस यहाँ की पोजीशन अभी कर दूँ, क्योंकि दो स्पेस है, लेकिन यहाँ पे तो दो स्पेस नहीं है, तो जैसे ड्रैग करूँगा वैल्यू एरर आ जाएगा। तो अब ये हम कैसे इसको डायनेमिक बनाएं कि जहाँ पे दो स्पेस है दो स्पेस की पोजीशन ले, जहाँ पे एक स्पेस है एक स्पेस की पोजीशन ले, यहाँ की पोजीशन ले। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो सर्च फॉर्मूला लेंगे, फिर से फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पे हम हाइफन फाइंड कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे हाइफन तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हाइफन हम इसके अंदर डाल देंगे, कैसे ध्यान से देखना। विद इन टेक्स्ट में हम, क्योंकि अब मुझे टेक्स्ट भी देना होगा जो हमने सर्च ये हाइफन फाइंड कराया, तो इसको टेक्स्ट भी देना होगा, कहाँ फाइंड करेगा। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लेंगे, टेक्स्ट इसको ले लेंगे, ओल्ड टेक्स्ट में स्पेस की जगह हम क्या कर देंगे, हाइफन डाल देंगे, न्यू टेक्स्ट में हाइफन डबल कोट में। अब यहाँ ये तो सभी में हाइफन डाल देगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होता है इंस्टेंस नंबर, यानी आप कहाँ पे ये ओल्ड टेक्स्ट की जगह न्यू टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, डालना, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मिडिल नेम है, जहाँ पे दो स्पेस है वहाँ पे दूसरे वाले पे करो, जहाँ पे एक स्पेस है वहाँ पहले वाले पे करो। तो जब दूसरे वाले पे करेंगे तो यहाँ की पोजीशन ये सर्च बताएगा, अगर ये हाइफन यहाँ पे डालेगा दूसरे वाले पे तो यहाँ की पोजीशन बताएगा, तो यहाँ की पोजीशन जब बता देगा तो हमने तो पूरा टेक्स्ट लेंथ से ले ही लिया है, माइनस यहाँ की पोजीशन हो जाएगी। तो इस पार्ट को डायनेमिक, इंस्टेंस नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक लेन फॉर्मूला लेना होगा, सॉरी लेन फॉर्मूला से ये लेना होगा दिस, माइनस फिर से लेन लेना होगा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दिस ओल्ड टेक्स्ट में स्पेस और विदाउट
इसको स्पेस को रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से, तो क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा मेरा स्पेस यहाँ पे, बता देगा भैया दो स्पेस है आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद कर दिया एंटर। देखो शर्मा आ गया, और यहाँ पे ये देखो आ गया पूरा लास्ट नेम। अभी ये कैसे हुआ ध्यान से समझना, यहाँ पे जब मैंने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लिया है, ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे देखना, मैंने सब्स्टिट्यूट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और F9 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखो कहाँ पे लगा है स्पेस, क्योंकि जब मैंने पूरे टेक्स्ट में से स्पेस को माइनस करके लगाया, माइनस किया यहाँ पे, तो क्या हुआ ये देखो, यहाँ पे जब मैंने लेंथ में से लेंथ, इस पूरे लेंथ को माइनस स्पेस हटा के माइनस किया तो दो आया, तो जब दो आया तो क्या हुआ, दूसरे नंबर पे हमारा ये ऐड कर दिया हाइफ़न, सब्स्टिट्यूट जो फंक्शन था दूसरे नंबर पे हाइफ़न ऐड किया, और सर्च में हमने हाइफ़न फाइंड कराया तो यहाँ की पोजीशन ये बता दिया, और एक बार मैंने लेन लिया तो ये पूरा पोजीशन माइनस यहाँ की पोजीशन, तो यहाँ की पोजीशन निकल गई, ठीक है रिजल्ट आ गया। इसी तरह कुमारी में देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पहले पे ही हाइफ़न लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पे वन आ रहा होगा, एक ही स्पेस था, तो ये देखो वन आ रहा, तो समझ में आ गया। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना के अपने क्वेरी फिक्स करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने प्रॉपर वे में नहीं सीखा, आपको सीखना होगा एक डायरेक्शन में प्रॉपर वे में, तो आप भी ये सारी चीज़ें खुद से करने लगेंगे। सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, जहाँ आपके इंस्टेंट डाउट क्लियर होंगे, राइट। कोई भी क्वेरी आपकी पर्सनल है आप पूछ सकते हैं, इंस्टेंट डाउट क्लियर होंगे, राइट। उसके बाद आप कोर्स को लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आप पूछे गए थे नहीं आए आप पूछ सकते हैं, आपके इंस्टेंट वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा सारा कुछ, और सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाएंगे। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, और अरे मास्टरी का भी कॉन्सेप्ट हमने इसमें इंक्लूड किया, जो कि आपको एक्सेल में मास्टर बनने में हेल्प करेगा। इसे सीखने के बाद आप कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सकेंगे, कोई भी क्वेरी खुद से फिक्स कर सकेंगे। एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पर नहीं है एक्सेल अरे मास्टरी के ऊपर, ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा। तो कोर्स को ज्वाइन करो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।